जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के टॉप 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा कितने क्वेश्चन का, 58 क्वेश्चन का आप सभी के लिए टारगेट रहेगा। जीके के आज दो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, पहला जो आपका रहेगा जियोग्राफी और दूसरा जो है आपका पॉलिटी रहने वाला है। दोनों के 30-30 क्वेश्चन आपके रहेंगे और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वीडियो के लास्ट में सभी दोस्त जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक है। क्वेश्चन बोलता है विश्व का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, लार्जेस्ट ट्रेंच आपका पूछा हुआ है। विश्व का सबसे ट्रेंच कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच, टोगा ट्रेंच, सुंदर ट्रेंच, ठीक है यहाँ सुंदर ट्रेंच कर लीजिएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, बिल्कुल सही, कौन, मैरियाना ट्रेंच जो है ये विश्व का सबसे बड़ा ट्रेंच है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा क्वेश्चन, जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या फिर सुमित्रा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर दो का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर क्या रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा क्या महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप माफ कीजिए सबसे बड़ा द्वीप, बिल्कुल सही, कौन, ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है, इसके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे बड़ा और सबसे गहरा कौन, एक ही आंसर, स्पेसिफिक ऑप्शन या फिर प्रशांत महासागर इसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कौन सा महासागर एस आकार के समान दिखाई देता है, किस आकार का एस आकार का दिखाई देता है, ऑप्शन बढ़िएगा, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही, एस आकार का कौन सा, अटलांटिक, कौन सा अटलांटिक सागर जो है दिखाई देता है, क्या, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए, एक ही आंसर आपको बताना चाहिए, क्या, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का पहला सबसे बड़ा और जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर बताइए, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर छह का दोस्तों राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए, बिल्कुल सही राइट आंसर क्या रहेगा, अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सात आपके सामने क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आपका पूछा है, कल मैंने ख्याल से मॉडल रस पेपर करवाया था तो उसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एक ही नाम आपको याद आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा, टोटल सात महाद्वीप है, सात महाद्वीप में अमेरिका हमारा एशिया सबसे बड़ा, दूसरे पर आपका अफ्रीका आ गया और सबसे लास्ट में कौन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका आता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ आपके सामने क्वेश्चन है एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन एशिया, एशिया की बात करूं या फिर पूरे विश्व में बात करूं, जो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, चाइना की, किसकी, चाइना की है, भारत नंबर दो पर आता है जनसंख्या में, पर यहां पर हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए जब भी नई जनगणना अपडेट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एशिया की नहीं पूरे विश्व की एक ही सबसे ऊंची चोटी है, कौन, माउंट एवरेस्ट, कौन, माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही, कहां, नेपाल में स्थित है, कहां, नेपाल में स्थित है, हिमालय, कहां,
हिमालय महाद्वीप में, कहां हिमालय में यह स्थित है। अब आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट की जो नई क्या है, नई लंबाई है वह क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर सभी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी एशिया बोल लो या फिर विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन, रूप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तिब्बत के पठार को। तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है और किस नाम से, बिल्कुल सही, किस नाम से, पामीर का पठार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बी इसका राइट आ रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। बोला है जो एशिया महाद्वीप है हमारा, अब एशिया महाद्वीप जो है इसका सबसे बड़ा देश है। अब किस वाइज पूछा हुआ है, पॉपुलेशन से हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अब पूछा है एरिया वाइज, क्या क्षेत्रफल के आधार पर जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बिल्कुल सही, कौन क्या रहेगा, चाइना। कौन, चाइना इसका राइट आंसर हो सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान से रखना, रशिया जो है ठीक है ये अकेला जो है एशिया में नहीं आता, रशिया जो है कुछ हिस्सा रूस का जो है एशिया महाद्वीप में आता है तो कुछ हिस्सा जो है यूरोप महाद्वीप पे आता है। तो इसे हम कह तो सकते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा देश है, क्या है, एशिया का सबसे बड़ा देश है, पर ये कंफर्म नहीं होगा क्योंकि कुछ हिस्सा जो है इसका कहां है, कुछ हिस्सा इसका यूरोप में है, कुछ भारत में, कुछ एशिया में है। तो मान सकते हैं कि चाइना इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो एक्सप्लेन भी कर दिया क्वेश्चन, अगर कल को आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और चाइना ऑप्शन में ना हो तो रूस करके आपको आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, वेकाल झील, सुपीरियर झील या फिर मृत सागर झील। जल्दी से क्वेश्चन में 12 का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बिल्कुल सही, कौन, बेकाल झील। क्या, बेकाल झील सबसे ऊंची झील है एशिया महाद्वीप की। क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो मेरे ख्याल से जो है हमारा एशिया पर जो ज्यादा डिफरेंस है या फिर एशिया महाद्वीप से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सर्वाधिक डाकघर किस देश में स्थित है, सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस स्थित है। अब बताने किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे प्यारे भारत में जो है ये जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बी इसका राइट आ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा गांव स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा गांव, अब सबसे बड़ा गांव इसमें बात हो रही है किस चीज की, मेरे ख्याल से इसमें बात हो रही है जनसंख्या की, ठीक है, जनसंख्या की। तो जनसंख्या में देखा जाए जो सबसे बड़ा एशिया का गांव है वो है गहमर। क्या है, गहमर जो है ये कहां पर स्थित है, मेरे ख्याल से यूपी में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन में सबसे बड़ा क्या है, गांव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी किस देश में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है क्या कहते हैं उसे, उसे हम क्या कहते हैं, हडसन की खाड़ी कहते हैं। यह स्थित है कहां पर, अमेरिका, रशिया, कनाडा या फिर चाइना में। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी कनाडा इसका राइट आंसर आ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन है, कौन सा देश प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादन करता है। Which country is the largest producer of natural gas? रशिया, अमेरिका, चाइना या फिर इंडिया। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मेरे ख्याल से 2020 के आसपास पूछा गया था। नेचुरल गैस सबसे अधिक प्रोड्यूस करता है कौन, बिल्कुल सही, कौन, रशिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आ रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्वेश्चन है, अमेज़न नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है या सबसे बड़ी नदी कौन से महाद्वीप में स्थित है। माफ कीजिएगा, ये संसार की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी। अब आकार में पूछा जाए, सबसे लंबी पूछी जाए तो आपको पता है नील नदी सबसे ऊंची है,
ठीक है, सबसे लंबी है माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी आपकी आती है अमेज़न, और अमेज़न है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया में। अब ये आती तो अफ्रीका में है, ठीक है, माफ कीजिए अफ्रीका में नहीं, ये अमेज़न जो है ये आती तो आपकी कहाँ है, अमेरिका में। अमेरिका के कौन से भाग में, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका में, कहां पर आती है आपकी, दक्षिण अमेरिका में आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेज़न नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि सब संसार की सबसे बड़ी नदी कौन है, अमेज़न नदी है, और हमारे भारत की पूछी जाए सबसे लंबी नदी तो गंगा इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्वेश्चन है, एंजल जलप्रपात कौन से महाद्वीप पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजल जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी वाटरफॉल है, ठीक है, ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है पूरे किसका विश्व पर स्थित है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया में। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा। एंजिल जलप्रपात आपका वेनेजुएला में स्थित है, और ये कहां पर स्थित है, बिल्कुल सही, कहां पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में, कहां स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइजिंग श्रेणी या ग्रेट डिवाइजिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है। इन विच कंटिनेंट इज दी ग्रेट डिवाइजिंग रेंज लोकेटेड, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइजिंग रेंज जो है ये कहां पर स्थित है, बिल्कुल से कहा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, द व्हाइट कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इट, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, यूरोप या फिर एशिया। बस याद रख लो, सबसे अधिक बर्फ कहां पाई जाती है, अटलांटिक में, कहां पाई जाती है, अटलांटिक में कहा जाती है। इसका कुछ परसेंट, मेरे ख्याल से 5% भाग जो है वहां पर बर्फ नहीं पाई जाती, 90% आपकी बर्फ पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, क्या होना चाहिए, अटलांटिक यहां पर राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, कैरेबियन सागर जो कि अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है, माफ कीजिए, इसे अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है, और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, यानी कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, कौन, स्वेज नहर, पुत्री सागर नहर, पनामा नहर या फिर कील नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर इसका इंपॉर्टेंट है, पनामा नहर इसका राइट आंसर रहेगा। और याद रखिएगा, पनामा नहर से एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है कि पनामा नहर जोड़ती है कैरेबियन सागर या फिर अटलांटिक महासागर और किसे, प्रशांत महासागर को जोड़ती है, बिल्कुल सही दोस्तों, सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जो है जोड़ती है लाल सागर और कैरेबियन सागर को, लाल सागर और प्रशांत महासागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को, या फिर लाल सागर और उत्तर सागर को। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वेज नहर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, और स्वेज नहर जो है किसे आपस में जोड़ती है, बिल्कुल सही, किसे, यह आपकी लाल सागर और किसे, भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, कील नहर किसे आपस में जोड़ती है, जो कील कैनल है, ठीक है, कील कैनल आपकी जोड़ती है या फिर कनेक्ट करती है भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और लाल सागर को, वल्की सागर, ठीक है, वल्की सागर उत्तरी सागर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए, कील नहर जो है आपस में किसे जोड़ती है, बिल्कुल दोस्तों किसे, उत्तरी सागर और किसे, लाल सागर को आपस में जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, मैनचेस्टर नहर किसे आपस में जोड़ती है, मैनचेस्टर जो है किसे जोड़ती है, मैनचेस्टर और स्टॉकहोम को, मैनचेस्टर और स्थम को, मैनचेस्टर और काला सागर को, या फिर मैनचेस्टर और लिवरपूल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनचेस्टर और लिवरपूल दोनों के दोनों याद रखने हैं, मैनचेस्टर और लिवरपूल जो है मेरे ख्याल से फुटबॉल से भी नाम इनका, ठीक है, फुटबॉल के शायद एक क्लब है, मैनचेस्टर और लिवरपूल दोनों एक क्लब है, और इन दोनों को कौन जोड़ता है, मैनचेस्टर नहर जो है या मैनचेस्टर कैनल जो है आपस में जोड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, वेना जो कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? वेना जो है किस नदी के तट पर स्थित है? मर्सी, डेन्यूब, काबुल या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। वेना जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल सही, किसकी? डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल जो कि किसकी, अफगानिस्तान की क्या है, कैपिटल है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? और वेना भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कैपिटल है, एक बार कंफर्म कर आप करवा दीजिएगा। तो काबुल जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल सही, किस नदी के? काबुल नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए खार्तूम जो कि सूडान की क्या है, खार्तूम सूडान की मेरे ख्याल से कैपिटल है, और ये किस नदी के तट पर स्थित है? खार्तूम है व्हाइट तथा ब्लू, नील सागर के, सेंट लॉरेंस के, डार्लिंग या फिर इरावती के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो खार्तूम की बात की जाए तो खार्तूम जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल सही, किस नदी? व्हाइट और ब्लू नदी के तट पर स्थित है, ब्लू नील नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटावा कनाडा, ओटावा क्या है, कनाडा की कैपिटल है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? व्हाइट तथा ब्लू नील सागर, सेंट लॉरेंस, डार्लिंग या फिर इरावती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। कनाडा की कैपिटल क्या? ओटावा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल से क्या, किस नदी के तट पर? सेंट लॉरेंस, किस, हाँ बिल्कुल सही, किस नदी के, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया शहर की किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिडनी आपकी, सिडनी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? व्हाइट तथा ब्लू नील सागर, सेंट लॉरेंस, डार्लिंग या फिर इरावती। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। सिडनी जो है किस नदी के, किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल सही, सिडनी किस, डार्लिंग, डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर इरावती नदी के तट पर स्थित है? इरावती नदी के तट पर स्थित है क्यूबेक कनाडा, यांगून म्यांमार, वारसा पोलैंड या फिर टोक्यो जापान। टोक्यो क्या है, जापान की क्या है, कैपिटल है। और उससे याद रख सकते हो, इरावती नदी के तट पर क्या स्थित है? यांगून या फिर रंगून, क्या? रंगून भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? रंगून भी आप कह सकते हो। और ये कहां पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? इरावती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बी इसका राइट रहेगा। तो जियोग्राफी के क्या क्वेश्चन, जियोग्राफी के 30 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। जल्दी से हम जो है पॉलिटी की ओर बढ़ते हैं, पॉलिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान से सुनो, भारतीय संविधान में संसद जो है, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 79 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कौन से तीन अंग होते हैं? पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि संसद के तीन अंग होते हैं कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन अंग होते हैं। इन सभी को छोड़ के जो है, इन सभी को छोड़ के संसद का कोई और सदन या फिर कोई और हिस्सा नहीं होता, या फिर कोई अंग नहीं होता, या फिर संसद का कह सकते हैं कोई और भाग नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है, बस अपर से ऊपर वाला सदन रखना है। किसे? बिल्कुल से किसे? राज्यसभा को। राज्यसभा को क्या? संसद का उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन राज्यसभा 45, 248, 250 या फिर 260। कितनी संख्या होती है राज्यसभा, टोटल कितनी होती है? 250 होती है। बिल्कुल सही, कितनी? 250। ऑप्शन नंबर सी राइट
आ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं कितने सदस्य, बिल्कुल से कितने, 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। जब भी राज्यसभा की बात आती है तो उपराष्ट्रपति की बात आती है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी जो है उपराष्ट्रपति इनका चेयरमैन होता है या फिर इनका क्या होता है, पदेन सभापति होता है, और उसका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदस्य सदन, माफ कीजिए, कौन सा सदन एक स्थायी सदन होता है, विच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज ए परमानेंट हाउस, क्या परमानेंट हाउस आपका होता है कौन, बिल्कुल से कौन, राज्यसभा जो है ये क्या होता है, एक क्या होता है, स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस होता है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा आपकी आज लगी तो आज 2 बजे दी गए, आज 10 बजे बैठी तो 10:05 पर भी भंग हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 10 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, 1/3, कितने, 1/3, यानी अगर राज्यसभा में टोटल 3 सदस्य हैं तो ठीक है, 3 सदस्य हैं ठीक है, हाँ 10 अगर टोटल 10 सदस्य हैं उसमें से 3 ठीक है, उसमें से 3 निकालोगे कितने, 3.5, नहीं सिंपल सा मानो, अगर राज्यसभा में जो है 3 सदस्य हैं ठीक है, 3 सदस्य हैं, 3 में से 1 सदस्य जो है ठीक है, 3 में से 1 सदस्य जो है क्या है, 3 में से 1 सदस्य जो है क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद जो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाएगा, यानी 2 वर्ष बाद फिर से उसके चुनाव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, मिनिमम एज पूछी है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी, बिल्कुल से कितनी, 30 वर्ष होनी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, राज्यसभा की सिफारिश पर, लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर, या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। अब यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रपति होता है ये लोकसभा को भंग कर सकता है किसके कहने पर, किसके कहने पर कह सकते हो, प्रधानमंत्री के कहने पर भी, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होता है ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होता है किसके कंट्रोल में होता है, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता है, और इन्हीं के कहने पर जो है राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को क्या कर देता है, भंग कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। अगर प्रधानमंत्री भी कभी ऑप्शन में पूछ ले और केंद्रीय मंत्रिमंडल ना ऑप्शन में आए तो प्रधानमंत्री करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना अंतराल नहीं होना चाहिए दो सदनों के बीच, बिल्कुल से कितना, 6 वर्ष से अधिक समय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिएगा, संसद का निचला सदन या फिर निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है किसे, पार्लियामेंट का मैं बता चुका हूं, राज्यसभा तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अब बचा क्या, सिर्फ लोकसभा, बिल्कुल से लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा 550, 556, 552 या फिर 545। अब याद रखना, भरे कितने जाते हैं, 545, और टोटल जो होते हैं कितने होते हैं, 552, बस आपको 552 याद रखना है, टोटल मेंबर आपके होते हैं किसके, लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। कितने सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य नामित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आ रहेगा। और टोटल 14 सदस्य जो है राष्ट्रपति टोटल सदस्य जो है क्या कर सकता है, नामित कर सकता है कहां पर, संसद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी आवश्यक है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी, 25 वर्ष आयु होनी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा अध्यक्ष माफ कीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। जब भी संसद है, संसद में संयुक्त अधिवेशन यानी राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और आपकी राज्यसभा, ठीक है, इन तीनों की अगर बैठक होगी तो कौन उसकी अध्यक्षता करेगा? बिल्कुल सही, कौन, लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करेगा, लीडर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की टोटल संख्या कितनी होती है, 23, 30, 34 या फिर 35। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है और ना ही ज्यादा आपको याद में रखना है, सिंपल सा याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान जो संख्या है कितनी है, 33 प्लस 1 है। हमेशा ही आपको इस रेशियो में देखने को मिलेगी, 33 प्लस 1, 33 प्लस 0, 33 प्लस 2, इस तरह से देखने को मिलेगी। टोटल आपकी 34 होती है, पर 34 मैंने ऐड कर दिया, हमेशा ही 33 प्लस 1 देखने को मिलेगी। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ये रिटायर्ड हो जाते हैं 62 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु या फिर 66 वर्ष की आयु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितनी सेवानिवृत्त होती है, बिल्कुल से कितना, 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों अपना त्याग पत्र देता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है अपना त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से 29 का दोस्तों राइट आंसर सही, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है अपना त्याग पत्र किसे, बिल्कुल सही, किसे, राष्ट्रपति को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन सीधा बोल दूं 2019 शायद 21 या 22 में आया नहीं था, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, प्रथम न्यायाधीश कौन थे, बिल्कुल सही, कौन, हीरा लाल जे कहानिया। कौन थे? हीरा लाल जे कहानिया जो थे, क्या थे, यहां स्टोरी नहीं, ठीक है, स्टोरी नहीं कर लेना, कहानियां कर लेना, कहानी कहा, ठीक है, यहाँ सही थी, ठीक है, यहाँ सही कर लेना, हीरा लाल जेकानिया जो थे ये क्या थे, भारत के पहले क्या थे, जज थे। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा होती है, अब यहां पर बात हो रही है हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, तो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनकी आयु कितनी होती है, उनकी आयु होती है 62 साल, 62 साल के बाद उन्हें क्या करनी पड़ती है, रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? जो हाईकोर्ट के जज होते हैं या अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को देते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, बिल्कुल सही, किसे, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति
किसके द्वारा की जाती है? व्हाई हम इज दी गवर्नर अपॉइंटेड, गवर्नर को अपॉइंटेड किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यों का मुख्य न्यायाधीश? अब राज्यों, माफ कीजिएगा, जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति से या फिर उनके मैक्सिमम डिसीजन किसके द्वारा? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा लिए जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख डैश होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं पूछा गया, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का जो कार्यपालिका होती है इसका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है, अगर आपको गवर्नर बनना हो तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड क्या होती है, कितनी होती है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 25 वर्ष? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात याद रखना, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए कितनी? बिल्कुल सही, कितनी? 35 वर्ष होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य का राज्यपाल कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कितने वर्ष के लिए? बिल्कुल सही, कितनी? 5 वर्ष के लिए की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राज्यपाल को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यों का मुख्य न्यायाधीश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बस याद रखिएगा, राज्यपाल है तो राज्य से ही संबंधित होगा कौन, बाकी है ठीक है, राज्य से संबंधित होगा कौन? मुख्य न्यायाधीश। क्या? राज्यों का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या फिर हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या दिलाता है? वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जो राज्यपाल होता है अपना त्याग पत्र सौंपता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यों का मुख्य न्यायाधीश? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही। अब बात करो, जब भी इसे शपथ दिलाएगा कौन? शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश, किसका? हाईकोर्ट का। पर जब भी त्याग पत्र या फिर शपथ ग्रहण की बात आएगी, ठीक है, माने अपॉइंटेड या फिर इसे नियुक्ति करने की बात आएगी तो कौन आएगा? बिल्कुल सही, कौन? राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके, 29 आपके सामने, कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा हुआ है, कौन सी संशोधन जो है किया गया था जिसके द्वारा जो है वोट डालने की आयु 21 से कितनी? 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा था? 61। बिल्कुल सही, कौन था? 61 वा संशोधन था जिसके द्वारा जो है मतदान की आयु कितनी? 21 से 18 वर्ष कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, पंचायती राज यानी पंचायती राज जो है ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1979 को, 57 को, 62 या फिर 59 को? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, डी इसका राइट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी ये कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है, नाम इंपॉर्टेंट है जहां से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन आपके लिए बोनस है, क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपने त्याग पत्र किसे देता है? जो मुख्यमंत्री होता है अपना त्याग पत्र सौंपता है प्रधानमंत्री को, राज्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल को? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री जो होता है अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को क्यों देगा, राष्ट्रपति को क्यों देगा? मुख्यमंत्री तो खुद अपना त्याग पत्र खुद को देगा नहीं, किसे देगा? बिल्कुल सही, किसे? राज्यपाल को देगा। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को या मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री नहीं दिलाएगा, राज्य मंत्री नहीं दिलाएगा, क्योंकि राज्य मंत्री तो ये है, ठीक है, मुख्यमंत्री के मंत्रियों को राज्य मंत्री कह सकते हैं, और बचा मुख्यमंत्री, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल सही, क्या?
ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए, वैसे मैंने 62 क्वेश्चन करवाए हैं पर आपके लिए टारगेट कितने में थे, 60 में था, तो 60 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।